देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर डी मॉड्यूलेशन के तीन मेथड्स है, एक था सिंक्रोनस, स्क्वायर लॉ, डी मॉड्यूलेटर, और ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एनवेलप डिटेक्टर जिसको हम बोलते हैं। देखो, सबसे पहले समझो एनवेलप क्या होता है। अगर मैं ऐसे सिग्नल बना रहा हूं ना, जरा मुझे बताओ इस सिग्नल का पॉजिटिव एनवेलप क्या होगा? अगर ये जीरो है, ये 0.5 है, अगर ये वन है, ये -0.5 है और -1। मुझे बताओ इस सिग्नल का पॉजिटिव एनवेलप क्या होगा, चैट बॉक्स में कमेंट करके। गुड। हाँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, पहले मैं वो वाली डायग्राम दिखाऊंगा, देखिए जो मैंने ली हुई थी। सबसे पहले जो टॉप पे स्क्रीन पे दिख रही है आप लोगों के, यहाँ पे ये देखो, जो ये वाली सिग्नल है, जो पहली वाली सिग्नल है, दिस इज मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, इज इट मल्टीटोन और सिंगल टोन? सिंगल टोन है या मल्टी टोन? मल्टी टोन, गुड, बिकॉज इट्स नॉट अ साइन नॉर अ कोसाइन। दूसरी सिग्नल हमारी कैरियर सिग्नल, जो आप लोगों को पता है। और जो तीसरी सिग्नल है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, भाई बताओ जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसके जो इसका जो पॉजिटिव एनवेलप है वो क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पॉजिटिव एनवेलप क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पॉजिटिव एनवेलप किसके बराबर है? मैसेज के बराबर। हाँ, ऑल्दो मैसेज वहां पे जीरो पे है, लेकिन ये तो वन एस्पेक्ट, मगर मैसेज ईच है। दैट मींस अगर हम कोई तरीका ढूंढ ले किसी भी सिग्नल का एनवेलप निकालने के लिए, तो हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल निकाल सकते हैं, क्योंकि डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं। डीमॉड्यूलेशन का ही टाइप है हमारा एनवेलप डिटेक्टर, और इसी में है हमारे पास क्या होगी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगी। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम एनवेलप निकालेंगे। अब देखो क्या होगा। अब सबसे पहले एनवेलप डिटेक्टर का मैं सर्किट बनाता हूं। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को डायोड के बारे में आपको बताऊं। एक डायोड होता है, एक चीज, एक होता है उसका पी साइड, एक होता है एन साइड। डायोड कंडक्ट्स व्हेन पी इज ग्रेटर देन एन, मतलब वोल्टेज एट पी इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एन। ये कंडक्ट करता है H1, जब पी पॉजिटिव, मतलब व्हेन पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, डायोड कंडक्ट्स। जब ऐसा होगा वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, तो डायोड कंडक्ट करेगा और ये डायोड एक्ट करेगा एज अ क्लोज्ड सर्किट। अब अगर वीएन होगा ग्रेटर देन वीपी, इफ वीएन इज ग्रेटर देन वीपी, तब जो ये वाला सर्किट है ये ओपन अप हो जाएगा। इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, मतलब इसके थ्रू करंट पास नहीं होगी। अब जब अगर यहां पे वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, वी से दैट it's forward biased and it acts as a closed circuit. But if Vn is greater than या Vp less है Vn से, तो हम बोलते हैं it acts as an open circuit. Open circuit में current pass नहीं होगा। उसके बाद देखिए, यहां तक clear है? उसके बाद देखिए, अब जो envelope detector है उसका circuit, it's a very simple circuit. देखो, यहां से आ रहा है मुझे एस ए एम ऑफ टी, मतलब दिस इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसकी फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। एस ए एम ऑफ टी इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। देखो, ये इनपुट में मिल रहा है, यहां पे हमारा रेजिस्टर, उसके बाद यहां पे डायोड, ये डायोड हम रिज्यूम करते हैं आइडियल डायोड, उसके बाद यहां पे कैपेसिटर,
और यहां पे लोड रेजिस्टर्स। This is P side, this is N side and this is an ideal diode. ठीक है, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, मैं यहां पे ही बनाता हूं, when diode is forward biased, डायोड जब होगा फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो जो डीमॉड्यूलेटर आउटपुट है ना वो हम ले रहे हैं आरएल के अक्रॉस, आरएल आरसी द सेम थिंग। तब क्या होगा, तब ऐसा कुछ होगा, जो सर्किट होगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा, एस ए एम ऑफ टी, यहां पे अब डायोड एक्ट करेगा एज क्लोज्ड सर्किट और ये बनेगा कुछ ऐसे कैपेसिटर। देखो अब क्या होगा, जो ये कैपेसिटर है ना ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको यहां से वोल्टेज मिल रही है, अगर ये वाली वोल्टेज बढ़ रही है कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब जब डायोड रिवर्स बायस होगा, मतलब रिवर्स बायस का मतलब अगर वी एन है ज्यादा वी पी से, That is reverse biased. तब हमारा सर्किट ये जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तब हमारा सर्किट बचेगा कुछ ऐसे ही सिर्फ, ये सी और ये आर एल और इसके अक्रॉस हम दे रहे हैं वी आउटपुट, क्योंकि यहां पे ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगी। यहां तक क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में लिखिए पहले। देखो अब क्या होगा, देखो हमारे पास होता है टाइम कांस्टेंट शासन, एक इसमें क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आई डोंट नो इफ यू हैव रेड इट, मतलब अच्छे से पढ़ा है ट्वेल्थ में या नहीं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। आप लोगों को पता है पहले मैं वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और ये जो दूसरा है इसमें वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है, जो पहला है ना दिस इज अ चार्जिंग सर्किट और यहाँ पे आर एस है, ये वाला यहाँ पे बड़े वाले सर्किट पे आर एस, जो आर एस सी है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट। और जो डिस्चार्जिंग सर्किट है वो ये वाला है, दो वाला, वहां पे है आर एल सी, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट। देखो अब क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट कम है, इफ चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट इज लेस, तो कैपेसिटर विल चार्ज इमीडिएटली, मतलब जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट लार्ज है, बहुत ज्यादा है, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज स्लोली। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब इतना ही था ये। अब देखो मैं एक सिग्नल ले लेता हूं यहां पे, और हम हमेशा यही लेते हैं, जो आर एस सी है दैट इज लेस देन आर एल सी, क्योंकि जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो कम होना चाहिए, मतलब कैपेसिटर जल्दी चार्ज होना चाहिए, और कैपेसिटर बहुत टाइम तक, मतलब आज किसी वार वार का सुन लूज, आर एल सी ज्यादा होना चाहिए या आर एस सी बहुत कम होना चाहिए। अब देखो अब मैं एक सिग्नल ले लेता हूं, ऐसे एक सिग्नल, क्या कहते हैं,
और ये जो एनवेल ऑफ डिटेक्टर मैंने बनाया ये पॉजिटिव एनवेल ऑफ डिटेक्टर, ठीक है, पॉजिटिव होता है एनवेल ऑफ डिटेक्टर। देखो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे छोटी डायग्राम बनाता हूँ फिर से इसकी, क्या इसकी हॉर्मोन कारण से ग्रेस थोड़ा प्रॉब्लम। यहां से एस ए एम ऑफ टी विच इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे हमारा कैपेसिटर और यहाँ पे हमारा एक और लोड रेजिस्टर, दिस इज आर एल सी। अच्छा यहाँ पे डायोड, असली चीज तो मैं भूल ही गया। अब मैं यहाँ पे ये टेंशन मानस लाइन कहती थे जो मैं दिमाग समझ यार की डायोड है। ठीक है हाँ, अब देखो मेरा जो अब दिखाऊंगा मैं, देखो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो एस ए एम ऑफ टी, मैं मान लेता हूं यहां पे एस ए एम ऑफ टी जो मॉड्यूलेटरी सिग्नल है उसके जगह मैंने ये वाली सिग्नल दी हुई जो मैं यहां पे बना रहा हूं। देखो अब क्या होगा, मान लो ये यहां पे 5 वोल्ट, ये सारे पीक्स 5 वोल्ट है। देखो अब ये जो वोल्टेज है ये बढ़ना स्टार्ट हो गई, जब ये बढ़ना स्टार्ट हो गई यहां पे ये लिया इस पॉजिटिव वस कनेक्ट कर में, इस कर में नेगेटिव वस कनेक्ट, दैट मींस पी की वोल्टेज ज्यादा हो गई एन से और ये कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया और जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक सेकेंड है, जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो ऐसे ऐसे चार्ज हो रहा है धीरे 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 हो गया इसी के साथ। दैट मीन्स ये जो ये वाला पॉइंट है इस पे कैपेसिटर का चार्ज 5 वोल्ट यहाँ पे है और यहाँ पे 0 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो इनपुट वोल्टेज है ना वो कम हो रही है 5 वोल्ट से, क्या हो रही है कम वोल्ट, दैट मीन जो वी एन है वो ग्रेटर देन वी पी है क्योंकि इनपुट वोल्टेज ही कम, वी एन क्या हो गया ज्यादा क्योंकि कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये डिस्चार्ज होना चाहिए स्लोली ऐसे क्योंकि आर एल सी इज ग्रेट। उसके बाद इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे इनपुट वोल्टेज फिर से ज्यादा आ गया ऊपर, वो होता कि ये तो नहीं है इनपुट वोल्टेज वार या कम गो वापस गैस वापस चार्ज गैस वापस डिस्चार्ज गैस वापस चार्ज। कितनों को क्लियर है चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे फिर भी रिपीट करना है क्लियर कितनों को हुआ अभी तक, 10% जल्दी चैट बॉक्स में। गुड, बाकी सारे लिखो ना सर, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, टाइम बाकी सारे रिपीट करो। इमाद 70 स्टूडेंट है, आई एम जस्ट गेटिंग 5। देखो अब देखो सबसे पहले आप लोगों को समझने की बात यह है, देखो बर्जिस ओके सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ये जो सर्किट है फिर से बना रहा हूं, ये मेरा ऐसे सर्किट है, यहाँ पे डायोड कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे एक और रेजिस्टर लोड रेजिस्टर है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है एस ए एम ऑफ टी, दिस इज आर एस, दिस इज डायोड, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज आर एल। सबसे पहले आप लोगों को समझना डायोड के 2 साइड होते हैं, पढ़ा होगा सेकंड सेम में, डायोड साइड पी साइड एन साइड, जब वी पी होता है ग्रेटर देन वी एन, यानी पी साइड ज्यादा वोल्टेज या सच एक्ट कराए क्लोज मतलब जब तार एक्ट कराए जानो छुई है, अगर ऐसा वी एन टू ग्रेटर देन वी पी
या वी पी टू लेस देन, कोई एक्ट करा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के थ्रू कोई करंट नहीं जाती। दूसरा पॉइंट है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। अगर वो वोल्टेज सोर्स लागन है कि इस कहीं या सिद्ध का सिद्ध कैपेसिटर, मान लो ये 5 वोल्ट का है, इसे याद क्या गैस मान से ये मार गैस एब्रप्टली 5 वोल्ट, ये गैस गॉड 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 वो युता ये आना 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट बराबर। अब देखो अब क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने बनाया चार्जिंग सर्किट ऐसे, वो सब बना चार्जिंग सर्किट अलग, चार्जिंग सर्किट समझ क्या ऐसे ये किस आर एस, ये तन को डायोड, तो ये तन को कैपेसिटर वी, या जिसको हम बोल सकते हैं एस ए एम ऑफ टी। देखो ये डायोड और ये हमारा कैपेसिटर, आर एस ना आर एस मल्टीप्लाइड बाई सी, अच्छे से बना टाइम कॉन्स्टेंट टाइप और मोटिव वेल्थ में। अगर तुम वो गुकी पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तथा कैपेसिटर टाइम कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस इज टाइम कॉन्स्टेंट। अगर ये टाइम कॉन्स्टेंट कम है, अगर ये टाइम कॉन्स्टेंट कम है, कैपेसिटर गैसी चार्ज जल्दी इसके यहाँ वोल्टेज बैठना है कि योर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज बन तिथे कि गैसी कैपेसिटर चार्ज, ये ली कैपेसिटर गैसी कैसे दफान फुली चार्ज, क्या गैस फुली चार्ज विचार योतन तान विचार योतन हेर कैसे सिग्नल इसे इनपुट क्रीहनी सिच माने इत इनपुट, इनपुट बढ़ो कैपेसिटर तो चार्ज, इनपुट बढ़ो कैपेसिटर या पॉइंट एस्पेक्ट वर्ड एम पच्चू इनपुट गसान काम, मगर कैपेसिटर हसा गो बराबर 5 वोल्ट चार्ज, कैपेसिटर गो आयतन बराबर 5 वोल्ट चार्ज, एम पथ हसा गई योर इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट खुद कम, ये इनपुट वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे पी साइड पे भी लेस देन 5 वोल्ट हो गए, लेकिन एन साइड पे 5 वोल्ट बराबर है, गो वी एन हसा आव ग्रेटर देन वी पी, गो ये कर कंडक्ट कहीं ये थ्रू गए वह कहीं करंट, वह गए सारे करंट कम थ्रू अकि ये थ्रू कैपेसिटर वन डिस्चार्ज, कैपेसिटर गैस में वार वार डिस्चार्ज, ये गैस वार वार गैस में वोल्टेज कम, एक ही इसके ये गैस 5 सेंपल गैस 4.9 वहीं पे कि इसके ये एम थ्रू करंट उतना ताया उस पक्का कि ये एम थ्रू करंट चार्जिंग वीज। अब डिस्चार्जिंग के टाइम इसके थ्रू करंट जा रही है, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन मैंने बोला जो आर एल सी है, जो आर एल सी इसने डिस्चार्जिंग अच्छे से वन डिस्चार्जिंग टाइम कौन, यह सा गैस आसन वार ह्यूज, जब ये ज्यादा होगा इसका मतलब इसको डिस्चार्ज होने में मतलब 5 वोल्ट पे 4.9 वोल्ट गसनस में ससा लगी में वारिया ये ले में आर एल सी आई ज्यादा तब ये तुम छुस ना हम आई ये एक ये तुम छुस बहाव तब ये यूत यह लगा वारिया टाइम डिश कि ना गसान यू गसान 5 पॉइंट कन ये तुम आज बराबर 5 के या 4.9 एम पत के खुदी वापस के कि इनपुट सिग्नल आई वापस ज्यादा, इनपुट सिग्नल जब ज्यादा हो गई तो फिर से डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस और फिर से ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे फिर से हो गया ये डिस्चार्ज, फिर से इस पॉइंट से फिर से चार्ज, ये पॉइंट पे डिस्चार्ज, इस पॉइंट पे डिस्चार्ज। चैट बॉक्स में लिखो तला मैं वहीं तो चैट बॉक्स में डू वी वांट डिस्चार्जिंग टू बी फास्ट और चार्जिंग टू बी फास्ट, yes we want charging to be fast and we want discharging to be as slow as possible। ab jo hame ye circuit mila na iski ye mich mile na charging discharging is yes wave form mile vishu jo hame charging discharging ki wave form mili wo kuch aise mili जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वेव फॉर्म मिली वो कुछ ऐसे मिली। देखो
सब मिलेगी को चार्ज, क्योंकि वो आता है एम्पथ को डिस्चार्ज थोड़ा, एम्पथ को बेचार्ज वो डिस्चार्ज ठीक है। ये मान लो 5 वोल्ट है, उसके बाद ये सिग्नल, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनवलप, स्विच परफेक्ट है कि इतकन छोजो, तो हम इसको भेजते हैं फिर स्मूथनिंग फिल्टर में। दिस सिग्नल इज पास्ड थ्रू अ स्मूथनिंग फिल्टर, स्मूथनिंग फिल्टर, और हमें आउटपुट मिलता है सीधा ऐसा। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए यूथ अच्छा क्लियर। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत, रिपीट मच क्या कारण क्या क्वेश्चन मच। बस मैं आप लोगों को अभी नोट भेजूंगा, आप उनके थ्रू जाइए, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा वो इंशाल्लाह वेडनेसडे की, कल क्लास नहीं होगी तो मैं आपको अभी नोट भेजूंगा इस पे ग्रुप पे, तो आप वो देख लीजिए ठीक है। जो मैंने समझाया यही हो सॉरी, अब आप देख लीजिए ताचु थोड़ा लिखित में, मतलब इंग्लिश इंग्लिश लिखी जो होता है, मतलब इंग्लिश क्या इसकी, अब अगर मतलब होपफुली अब अगर सब्जेक्ट टू पेपर लिखना है तो मैं लिखू, तो ताचु थोड़ा लिखो ना सा, मतलब इंग्लिश भी लिखनी होती है तो इंग्लिश 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 लिख के मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ, आप उस पर अभी नजर मारो, कैसी तो ऐसी दिमाग फ्रेश नजर मारोगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, इंशाल्लाह हम डीएसबी ये डीएसबी एससी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट। मैं पर थोड़ा ज्यादा ज्यादा क्या इसकी तिल मौक लेनी, सिलेबस भी वायरे वास्ट, अभी तक हार्डली 30% हो गया होगा और ये बहुत ज्यादा आ गया, ये एएम खत्म होना चाहिए। तो डी मॉड यही, ये जो हमारी कैपेसिटर का जो हमें मिला ना, कैपेसिटर का देखो डीमॉड्यूलेटेड, अब अगर मैं इसको दे दूं ना वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अगर मैं इन बात भी हो क्या हुआ, मैं आप लोगों को सिंपल, मैं आप लोगों को एनवलप डिटेक्टर दिखा रहा था एक सिंपल सिग्नल पे, अब अगर मैं इसको एनवलप इसकी इसको ये दूं, ये वाली कहां गया, हाँ अब अगर मैं इसको ये दूं ये वाली सिग्नल, देखो क्या होगा, ये यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे ईएम पद गई डिस्चार्ज गई, डिस्चार्ज 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 ऐसे, फिर यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से डिस्चार्ज, फिर यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज चार्ज, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा ना इधर, ये तन गई वापस चार्ज, ये तन गई वापस डिस्चार्ज गई चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, थोड़ा सा चार्ज फिर से डिस्चार्ज, थोड़ा चार्ज फिर से डिस्चार्ज, अब ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे चार्ज, फिर इस वेव को भेजेंगे हम थ्रू स्मूथनिंग फिल्टर, तो हमें मिलेगा डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, हमें मिल जाएगी ऐसे मैसेज जो हमारी थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे क्लियर है हिशाम। असल में हमारा मकसद था एनवलप को डिटेक्ट करना, हम कैसे एक सिग्नल का एनवलप डिटेक्ट करेंगे, हमें पता है हाँ एनवलप ही है ना मैसेज सिग्नल, एनवलप कुछ ना मैसेज सिग्नल, वही तो आप लोगों को बता रहा हूं, एनवलप में ही मैसेज सिग्नल होता है, एनवलप इज एक्चुअली, हमें एनवलप नहीं मिली, हमें मिली चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, तो हमने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन इज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, कौन सी सिग्नल हिशाम, अरे ये देखो ना ऊपर सिग्नल, ये है ऊपर मैसेज सिग्नल, ये वाली
ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ये अच्छा थोड़ा खुरदुरापन मैंने आप लोगों को बोला ऐसा थोड़ा, उसके बाद ये जाता है स्मूथनिंग फिल्टर के थ्रू, जैसे उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया ये ऐसे कुछ आएगा, उसके बाद स्मूथनिंग फिल्टर के थ्रू निकलेगा तो उसके बाद परफेक्ट आएगा ऐसे। ओके ओके नो वरीज, ठीक है मैं नोट्स भेज देता हूँ, आप इसके थ्रू चल यू गो थ्रू इट, देयर इज एनी कंफ्यूजन लेट मी नो। ओके बर्जीस क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन जरा मुझे पहले लिखो सारी चेक लिए, 30 का स्टूल भी आ स्क्रीनशॉट। बाकी क्या दिन रिप्लाई करना, जैनब मनान राहत गौहर नुमैर निहाल शाहिद एहबा आइनान फहीम सुहेल बर्जीस अजरा मरियम इमरान महक अनजलना उजमा अरफात इर्तिजा सलमा हुबैब वैसा सादिया। क्लियर है सबको, हाँ हाँ अगर डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज जल्दी होगा ना तिलमिलेस वापस मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही, अगर डिस्चार्ज जल्दी हुआ तो। हाँ ठीक है, आई विल बी सेंडिंग इन नोट्स, अभी एंड कर देता हूँ मीटिंग को।